नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कांग्रेस के आगामी उपचुनाव में बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय पर। राजस्थान कांग्रेस ने साफ किया कि वह आगामी उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर अकेले ही मैदान में उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले की पुष्टि की है और कहा है कि किसी भी गठबंधन पर बातचीत नहीं की गई है। वहीं डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के लिए कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वहीं 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए गए हैं। डोटासरा ने बताया कि वह पैनल हाईकमान को भेजा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने संभावित गठबंधन के सवाल पर डोटासरा से कहा है कि यह दिल्ली का मामला है और राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए, बात कर ली है, जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसकी चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उस पे तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इंडिया का नारा, जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। कौन फाइनल हम नहीं करने वाले, हमने डिस्कस किया है और हमारा जो पैनल है वो रंधावा साहब पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करके डिक्लेयर कराएंगे, ये तय हुआ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस बात की पुष्टि की कि यदि गठबंधन के लिए कोई संपर्क करेगा तो दिल्ली में चर्चा हो सकती है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुकी है। उम्मीदवारों के पैनल पर अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा और टिकटों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है, हमने 7 सीटों का उन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी CEC की मीटिंग होगी उस पे क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हम हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पत्ती सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा, इसी लोगों का मन बना है और हम यकीन तौर पर जीत कर। मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ERCP PKC योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं। कांग्रेस के वार रूम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस दौरान आदर्श नगर विधानसभा रफीक खान ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने की दावा किया है। गोपाल जी का प्रेम है और मैं गोपाल जी का वोटर भी हूँ, मैं वोटर सिविल लाइन का हूँ और सिविल लाइन का वोटर को तो वो याद रखेंगे। मैंने देखा कि 3-4 बार मेरा नाम लिया, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको कि वो वोटर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात की तो वो मुझे पूरी बात सुनने पे ऐसा लगा कि एलिगेशन कांग्रेस पे कम और बीजेपी पे ज्यादा है और बीजेपी के नेताओं पे ज्यादा है, और फिर कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज पे।
तो सरकार भी उनकी, अब कार्रवाई कराने वाले कौन है। तो ये सब बातें एक विधायक को ये पता लगना चाहिए कि मैं सरकार का विधायक हूँ, हमारी सरकार है, और मैं इस तरह से जवाब दूंगा तो जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस बात का मैसेज उन्होंने दे दिया कि वो जनता के लिए काम नहीं करा सकते, सरकार उनकी सुन ली। तो दोस्तों, ये था राजस्थान कांग्रेस का आगामी उपचुनाव में अकेले लड़ने का फैसला। क्या ये कदम कांग्रेस को चुनावी सफलता दिला पाएगा? ये देखना होगा कि कांग्रेस का यह अकेला लड़ने का फैसला उन्हें चुनावी मैदान में कितना फायदा पहुंचाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ताजा खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनता दरबार से।